कवर होके चल रहा हूँ, लेकिन मुझे ना आंखों में लग रही है यार बर्फ। आपकी भाई पता नहीं मम्मी कैसे कर लेती है ग्रोसरी, अब समझ नहीं। मेरे को तो जो पसंद आ रहा है, जो अच्छा दिख रहा है वो उठा लेता हूँ। भाई विंटर शूज थे तो बच गया मैं। भाई ये देख लो बर्फ ही बर्फ पड़ रही है। देखो पैर पूरे धस रहे हैं। एक मिनट रुको, व्लॉग स्टार्ट करता हूँ। मेरे को गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बर्फ पड़ रही है भाई, बहुत दिख रही होगी तुम्हें। एक सेकंड भाई, दिक्कत पता क्या होगी, आज मेरे पास वो नहीं है, क्या कहते हैं, मेरी विंटर जैकेट ना धुल रही थी। आई हैव टू गो टू द वॉलमार्ट। थैंक यू। ओके सो दिक्कत ये हो गई, मेरी विंटर जैकेट भाई मैंने दोनों में डाल दी थी। बहुत बर्फ़ पड़ रही है भाई, हाथ तो विंटर जैकेट मैंने दोनों में डाल दी थी। अब वो उस पर क्या कहते हैं ड्रायर में डाली, 40 मिनट डाल के रखी, सूखी नहीं। और फिर से मैं चला के, फिर वरना मैं लेट हो जाता। जैसी भाई धोखा दे गए मेरे पास, जैसी भाई आए नहीं, धोखा क्या ही देगा, उनका असाइनमेंट वगैरह है, कल पेपर है ना उनका। इतनी बर्फ़ पड़ रही है, क्या बताऊँ मैं तुम्हें। अभी तो फेब चल रहा, फेब एंड होने वाला है, कहते हैं यहाँ पे अप्रैल तक बर्फ़ पड़ती है। कोई ना, लेट्स सी। अभी बस मैं निकला ही हूँ घर से, यहाँ से जाके मैं वॉलमार्ट जा रहा हूँ ग्रोसरी करने। कोई ग्रोसरी करनी आज बहुत ज़रूरी है, अगर आज नहीं करी तो होएगी ही नहीं फिर। वो पूछो क्यों क्यों, क्योंकि हमारे पास आटा उटा ख़त्म हो गया, बिल्कुल सब कुछ ही बिल्कुल ही एंड हो रखा सब चीज़ों का, और फुल पैक होके निकल रहा हूँ मैं। मैं देखता हूँ कैसे क्या बनता आगे, तो बर्फ़ बहुत पड़ रही है यार, तो हद होगी। देखो भाई मैं फुल कवर होके चल रहा हूँ, लेकिन मुझे ना आंखों में लग रही है यार बर्फ। आते हैं तो भाई ऊबर पे आ जाऊँगा मैं, क्योंकि तो बहुत सारा सामान होगा। मेरी आवाज़ आ रही है ना तुम्हें, मुझे पता आ रही है। कोई ना, मैं वहाँ जाके मिलता हूँ, मैं सीधा वॉलमार्ट जाके ही करूँगा, क्योंकि बहुत बर्फ़ पड़ रही है। ओके भाई, भाई ये देखना ये क्या हुआ यार, पूरा धस गया था यार मैं इसमें। देख यार फुटपाथ पे इतनी कीचड़ किस बात का यार, ये पूरा धस गया मैं, देखना अब कपड़े गंदे हो गए, क्या क्या कैसे जाऊँ, मेरे को समझ नहीं आ रही है, परेशान हो गया यार मैं तो, पूरे पैर पूरे धस गए। रुक जाओ देख फोन करता हूँ। भाई विंटर शूज़ थे तो बच गया मैं, वरना भी गया था पूरा दलदल के अंदर, पूरे ऊपर ऊपर तक आ गया था, चला भी नहीं जा रहा इतनी बर्फ में। बंदा समझ सोचे कहाँ पैर कहाँ रखूँ मैं, समझ ही नहीं आ रहा है। कोई नहीं, वो शूज़ तो साफ हो गया है, अभी विंटर शूज़ ना होते तो हो गया था काम मेरा। कोई ना यार, वॉलमार्ट पहुँच के करूँगा अब सीधा। ओके भाई, हैं भाई मॉल में आ चुका हूँ मैं, पहले झाड़ा है मैंने अपने आप को पूरा, तो जा रहा हूँ टिम होर्टन्स कॉफ़ी पी के मैं जा रहा हूँ वॉलमार्ट। ओके भाई, हैं बस बढ़िया, नहा धो के निकला था यार घर से, वाल वूल सेट करके सारा काम खराब हो गया। कोई नहीं, जा रहा हूँ मैं अब ग्रोसरी कर लेना दो मिनट को, ठीक है। ओके भाई, भाई इतना खाली मॉल मेरे को कभी मिला ही नहीं है, बढ़िया आज बेइज्जती नहीं होगी ना, कपड़े खराब है। बाय। वॉलमार्ट इतना बड़ा है ना, समझ नहीं आती बंदा कहाँ से शुरू करे कहाँ से खत्म करे। कोई नहीं, देखते हैं क्या क्या लेना, ठीक है। ओके बाय। भाई पता नहीं मम्मी कैसे कर लेती है ग्रोसरी, मैं तो समझ नहीं आ रहा। मेरे को तो जो पसंद आ रहा है, जो अच्छा दिख रहा है वो उठा लेता हूँ बस, ताकि देखते हैं क्या क्या लेके जाना हो, ठीक है। रुक जाओ यार तुम, भाई सामान देख रहे हो, मेरे को लग रहा है पता नहीं मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं तो कुछ हो जाएगा मेरे को आज। कोई नहीं, बस सिर्फ चॉकलेट्स लेनी जाएगी, बाकी सब हो गया। ओके भाई, है भाई ये देखना
करके ऊपर छोड़ के चली गई है मेरे को। भाई ये बर्फ नहीं गिर रही, फ्रीजिंग रेन हो रही है, चुभ रही है ये तो बहुत ज़्यादा। जैसी भाई आए यार फटाफट में सामान लेके जाऊँ, देख रोड पे पड़ा हुआ पूरा सामान। अरे आओ भाई, ये मैं लेके नहीं आया हूँ, ये अपने आप आया मेरे पास ये। और भाई मैं पैर बिना चप्पल के आ गया, मेरे को लग रहा था मेरे पैर काट। भाई ये बर्फ नहीं पड़ रही, फ्रीजिंग रेन है, हाँ चुभ रही है। चलो उठा लो सामान फटाफट, हाँ मैं जा रहा हूँ भाई। इस आदमी ने धोखा दिया भाई आज। भाई मैं पढ़, मेरे पेपर है यार, पढ़ रहे हैं ये, अब भी फोन पकड़ा है, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ प्रोफेसर को मेल कर रहे हैं, कल ऑनलाइन कर दो। देख ले मैंने कोई प्रोफेसर को मेल नहीं किया, मुझे क्या पता, दिखा रहा हूं। कोई नहीं गाइस, मैं घर आ चुका हूँ, फट गई थी मेरी बहुत ज्यादा भाई। मैं भाई मेरे को फट गई, फट गई इज नॉट अ गाली, शट डाउन हो गया। फट गई इज नॉट अ गाली फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं तो गाली नहीं देता भाई, ठीक है। बहुत शरीफ बच्चा हूं मैं, हां इस इंसान के ना आधे शरीर पे टैटू हैं, उससे क्या होता है, क्या उससे कुछ नहीं होता। तुम मोलेस्टर डिक्लेयर्ड हो कॉलेज में अपने, ऐसा कुछ नहीं है। अरे यार ठीक है, मैं आ चुका हूँ, बहुत सारा सामान लेके आया हूँ, $222 बना भाई आज सारा, लेकिन ठीक था क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ ही खत्म था। 2 महीने चल गया था, 1.5 महीने से ऊपर चल गया, 1.5-2 महीने से ऑलमोस्ट सब कुछ ही खत्म। मैं तो देसी घी भी ले आया इस बारी, अच्छा किया, तेल कम खर्चा हुआ। यस, और अब ठीक है, कल मिलता हूँ गाइस मैं, हैं बाय, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, ओके बाय। और हाँ मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, वेरी गुड, वेल डन।